हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MDU हेल्प में। आज हम इस वीडियो में MDU स्टूडेंट पोर्टल पर अपने अकाउंट का पासवर्ड फॉरगेट कैसे करें, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। चाहे आप डिस्टेंस स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, आप सभी के लिए वीडियो है। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपना रिपेयर और इम्प्रूवमेंट और एडिशनल का फॉर्म बनाना चाहते हैं और अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और फॉरगेट पासवर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना जो पासवर्ड है वो फॉरगेट कैसे करें, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे MDU से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, MDU स्टूडेंट पोर्टल पर आना है। MDU स्टूडेंट पोर्टल का लिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं। पोर्टल का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लिंक पर क्लिक करते ही आप सीधे यहाँ पर आप MDU स्टूडेंट पोर्टल पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, पासवर्ड रिकवरी विंडो। ठीक है दोस्तों, ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले है एडमिन, ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट है। इसके बाद है एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ओल्ड स्टूडेंट, यूज़र आईडी, न्यू स्टूडेंट। अगर आप न्यू स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप MDU के पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको ओल्ड स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। ओल्ड स्टूडेंट सेलेक्ट करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर आपने अभी फ्रेश एडमिशन लिया है तो आपको न्यू स्टूडेंट सेलेक्ट करके अपनी यूज़र आईडी डालनी है। यूज़र आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने जब अपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था। ठीक है दोस्तों, एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो फॉर्म भरते टाइम आपने ईमेल आईडी दी थी वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। ठीक दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ओल्ड स्टूडेंट के हिसाब से पासवर्ड फॉरगेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ओल्ड स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैंने ओल्ड स्टूडेंट सेलेक्ट किया, यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन नंबर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किया है। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आपको यूज़र आईडी डालनी है। यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद एडमिशन फॉर्म के टाइम जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद क्या करना है, ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डाल के आपको गेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, सारी डिटेल मैंने एंटर कर दी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट सेलेक्ट किया है। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद मैंने क्या किया, अपना मोबाइल नंबर डाला है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी डाली है। ईमेल आईडी डालने के बाद मैंने क्या किया है, गेट पासवर्ड पर क्लिक किया है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐड कर दिए हैं। गेट पासवर्ड पर क्लिक करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर डाला है और जो ईमेल आईडी मैंने जो डाली है वो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दी थी। ठीक है दोस्तों, एडमिशन फॉर्म के टाइम पर अगर आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया और ईमेल आईडी नहीं डाली तो आपके पास OTP तो आ जाएगा, लेकिन जो OTP आएगा वो OTP आप कहाँ पर डालोगे, वो आपके सामने पेज ओपन नहीं होगा जब तक आप दोनों चीज़ नहीं डालोगे। अगर आपने ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी और मोबाइल नंबर नहीं डाला और गेट पासवर्ड पर क्लिक कर दिया, आपके पास OTP तो आ जाएगा ईमेल पर, लेकिन वो OTP आप कहाँ पर डालोगे जब तक OTP वाला पेज ओपन नहीं होगा। इसलिए आपको दोनों चीज़ यहाँ पर डालनी है, मोबाइल नंबर भी और ईमेल आईडी भी, और गेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल के आपको खाली मोबाइल नंबर डाल के दिखाता हूँ, ईमेल आईडी नहीं डालता। उसके बाद गेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ तो क्या लिखा आता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर सिर्फ डाला है। जैसे ही मैं मोबाइल नंबर डालूँगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा जाएगा, ईमेल डज नॉट मैच, काइंडली एंटर द सेम ईमेल डिटेल दैट वाज सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। दोनों ही चीज़ आपको डालनी है, मोबाइल नंबर भी और ईमेल आईडी भी। उसके बाद आपको गेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, फिर से मैंने मेरी डिटेल एंटर कर दी है, ओल्ड स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है, मोबाइल नंबर डाला है, ईमेल आईडी डाली है। ईमेल आईडी डाल के गेट पासवर्ड पर क्लिक करना है।
जैसे ही गेट पासवर्ड पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा है, एंटर ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जो ओटीपी आपको रिसीव हुआ है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप रीसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। मैं आपको ओटीपी भी दिखा देता हूँ किस तरह का ओटीपी आता है, कितने डिजिट का आता है। ये आपके पास ईमेल पर ओटीपी आएगा, इस तरह आप देख सकते हैं एमडीयू स्टूडेंट पोर्टल ओटीपी। ये रजिस्ट्रेशन नंबर था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओटीपी है। ठीक है दोस्तों, 6 डिजिट का ओटीपी है पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज योर पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग ओटीपी आया है। ये ईमेल पर ओटीपी इस तरह का आता है, और मोबाइल नंबर पर किस तरह का ओटीपी आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर VM MDU ACC इस तरह का लिखा आएगा, जहाँ से मैसेज आएगा। और मैसेज किस तरह का लिखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का मैसेज लिखा आएगा। ये ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी भी आपको डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ओटीपी डाल दिया है। इसके बाद क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है वो सेट करना है। एंटर योर पासवर्ड, न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। दोबारा से वही पासवर्ड, सेम पासवर्ड यहाँ पर डालना है, और उसके बाद सेव पर आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने पासवर्ड को डाल दिया नया पासवर्ड। जैसे मैंने मेरा नया पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 बना लिया, मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, और यही पासवर्ड मैंने कंफर्म पासवर्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पर डालना है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका जो एमडीयू स्टूडेंट पोर्टल का जो अकाउंट है उसका पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप अपना जो है रिपेयर का, इम्प्रूवमेंट का और एडिशनल का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप रिपेयर और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म मोबाइल फ़ोन से भरना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देख के आप अपना जो रिपेयर और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है मोबाइल फ़ोन से कैसे आप अपने जो स्टूडेंट पोर्टल का जो है पासवर्ड फॉरगेट कैसे करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है पासवर्ड फॉरगेट करने में, पासवर्ड भूल जाते हैं। अगर आपका पासवर्ड अब भी फॉरगेट नहीं हो रहा है तो आप एमडीयू जाके अपना जो पासवर्ड है वो फॉरगेट करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे आप डिस्टेंस स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देख के अपना जो स्टूडेंट पोर्टल का पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, और अपना रिपेयर और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे वीडियो को देख के अपना जो फॉर्म भर सकते हैं। एमडीयू स्टूडेंट पोर्टल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सीधे क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।